अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आईटी सीरीज बुक का ये 12th चैप्टर हमारा है और उसमें आज हम फॉर लूप को स्टार्ट करने लगे हैं। उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो आज उसका हम पहला प्रोग्राम करेंगे। ये प्रोग्राम नंबर है 12.19। ये फॉर लूप का पहला प्रोग्राम है, तो इसकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग फॉर लूप। आपने ये काउंटिंग आपने डिस्प्ले करवानी है 10 से लेकर 1 तक यूजिंग फॉर लूप, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रोग्राम। जिन स्टूडेंट्स ने वाइल लूप को किया हुआ है, इसके अलावा डू वाइल को किया हुआ है और उनको वाइल लूप को और डू वाइल को फॉर लूप में कन्वर्ट करना आता है, तो वो आसानी से इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को अभी वाइल लूप का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ और डू वाइल का नहीं हुआ, तो जो पिछली वीडियो मेरी है उनको देख के उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। ये प्रोग्राम नंबर है हमारा 12.19 और ये फॉर लूप का पहला प्रोग्राम है। हमने इसमें फॉर लूप का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए आप तो इसकी स्टेटमेंट है कि 1 से 10 से लेकर 1 तक आपने काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है रिवर्स ऑर्डर में। तो इसका आउटपुट ऐसे आना चाहिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये इसका आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए। तो हैश इंक्लूड आप मेरी वीडियो को देखा करें और उसे सब्सक्राइब किया करें, साथ जो बेल आइकन उसको प्रेस भी किया करें ताकि जितनी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको आसानी से मिल सके। तो इसका आप देखें स्टार्टिंग हमारा पॉइंट है 10 और एंडिंग पॉइंट 1 है, तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, काउंटर वेरिएबल हम सी ले लेते हैं और सी को वैल्यू हम क्या देंगे 10 स्टार्टिंग वैल्यू। तो ये पार्ट अब फॉर के अंदर आएगा, फॉर आप लिखेंगे और फॉर के अंदर सी इक्वल टू आप 10 वैल्यू देंगे और कहाँ तक उसको आपने कंपेयर करना 1 से, यानी हमने 1 तक जाना, तो सी ग्रेटर इक्वल टू 1 और उस पर आप देखें दरमियान में किस तरह वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो ये देखें ये 10 के ऊपर 9, 9 के ऊपर 8, 7, 6, 5, ये आपकी हर दफ़ा एक वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसके लिए हम डिक्रीमेंट का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम प्रिंट नंबरों को करेंगे। ये 10 प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे %d। अब देखें एक वैल्यू प्रिंट करने के बाद अगली वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे आ रही, नीचे आ रही हो अगली लाइन, तो इसलिए हम बैक स्लैश का एंड का इस्तेमाल करेंगे और ये किसकी वैल्यू है, ये सी की वैल्यू, तो सी हम यूज़ करेंगे। गेट, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। अब आप कोई भी जो के प्रोग्राम आपने वाइल लूप में किए हैं या डू वाइल में किए हैं उन्हीं को आप फॉर लूप में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आप देख लें कोई भी स्टेटमेंट ले लें और उसको डिस्प्ले करवाएं उसका आउटपुट। और तो नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रोग्राम हम इंशाल्लाह बनाते हैं।